I knew it कि तुम जरूर आओगे। ये हेयरलाइन फ्रैक्चर की ऐसी की तैसी, सारा मोमेंट किल कर दिया। हाय ना कापूश, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे प्लीज? मेरे पास किसी का दोस्त बनने के लिए टाइम नहीं है। क्यों? व्हीलचेयर पे बैठी लड़की का दिल कैसे तोड़ सकते हो तुम? ओके, ठीक है, आज से हम दोनों फ्रेंड्स। डन? ओके। ये बारिश बंद कर देंगे प्लीज आप? जा तो रहे हो ना कापूश, पर अगर आज शाम तक तुमने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई ना, तो एक्सीडेंट वाली आग नहीं, सच वाली आग लग जाएगी। ये लड़की बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई और स्टोरी भी है। अरे 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 अनन्या, तुम यहाँ? वो I can explain हाँ? मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए डबू डरपो। अरे अरे पर देखो, इस बार डर की वजह से कुछ नहीं हुआ, इस बार शाइनेस की वजह से थोड़ा गलती हो गई। ओ हेलो हेलो, किस बात की शाइनेस? शाइनेस वो कैमरा के सामने मैं थोड़ा शाय हो जाता हूँ। और लड़की को मुसीबत में छोड़ के जाते हुए शर्म नहीं आती? आती है ना, आती है शर्म, इसलिए मैं तुम्हारे कुछ लेकर आया हूँ। कहाँ गया? हाँ ये रहा। आ, ये करेला? What nonsense? नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो क्या है, तुम तो ऑलरेडी कर दी हो ना, ये तुम्हारे काम का नहीं है। क्या कहो? लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए ये 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 ये, ये लेकर आया हूँ। अरे सब्जियों के सेल्समैन बन गए हो क्या? नहीं, मैं लाया था तुम्हारे लिए। हाँ मिल गया, ये लाया, केला लाल बेला, ये लो। मेरी वजह से तुम्हें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, क्योंकि तुमने मुझे एक्टिंग का हॉट चांस दिया लेकिन मेरा कोल्ड फिट हो गया एंड टाइम पे, इसलिए ये मेरी तरफ से प्लीज रख लो। थैंक्स बट नो थैंक्स। अरे क्या हुआ? तुम्हारी शाइनेस के चक्कर में एक एक्सीडेंट हो गया, तुम तो डर के भाग गए एज ऑलवेज, पर नकाबपोश ने आके मुझे बचा लिया। रियली? वो नकाबपोश? हाँ। और इतना ही नहीं, उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली है। वाह, इसीलिए रखो अपना ये बनाना और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, हटो यहाँ से। ओके तो उस नकाब पोश ने क्या सच में तुम्हें अपना दोस्त बना लिया है? हाँ, क्यों? क्या उसने तुम्हें अपना चेहरा दिखाया? चेहरा तो नहीं दिखाया। ओहो, फिर तो उस नकाब पोश ने तुम्हारी फिर की ले ली। क्या बकवास कर रहे हो? अरे देखो, हम दोनों रियल फ्रेंड्स हैं ना, तो हम दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं है। जैसे तुम्हें पता है कि मैं थोड़ा डरपोक हूँ,
लेकिन ज्यादा चार्मिंग हो और तुम ज्यादा नचड़ी हो लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो। What the hell? First of all, हम दोनों कोई फ्रेंड्स फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है? Second of all, वो मुझे आज अपना चेहरा दिखा देगा। मैंने उसे बहुत बड़े डिलेमा में डाल दिया है। डिलेमा? किसकी माँ? अरे डिलेमा मतलब धर्म संकट। धर्म संकट? लेकिन कौन सा धर्म संकट बोलो? That is none of your business. अब हटो मेरे रास्ते से। तुम्हारा बिजनेस अब मेरा बिजनेस बन चुका है हेलन, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम नकाबपोश का फेस देखने के लिए इतने बेचैन क्यों हो रही हो? वो आएगा, वो फेस दिखाएगा, वो आएगा, वो फेस दिखाएगा, वो आएगा, वो फेस दिखाएगा। पता नहीं ये पक्षी धरती पर किससे मिलकर कौन सा संदेशा लेकर आने वाला है। कौन होगा भैरानी का ये नया जासूस? अनन्या, ये हाय हाय, ये कौन सी बला है? ये कोई बला नहीं, ये तो कोई एग्जॉटिक सी बर्ड लग रही है मुझे। अरे हट हट, आपने उस बर्ड को क्यों उड़ा दिया आंटी? अनन्या, हमने पहले भी तुमसे कई बार कहा है हमें आंटी मत बोलो, दीदी बोलो। हाँ, और ये पंछी पता नहीं कौन सी बला है, आज तक हमने ऐसा पंछी नहीं देखा। पता नहीं अपने साथ कौन सा अपशगुन लेकर आया होगा। हे भगवान, रक्षा करना। अच्छा सुनो, वो तुम्हारी बिना दूध वाली कम शक्कर वाली चाय बना दी है हमने, पी लेना। अनन्या इतनी अजीब हरकतें, छोड़ो बाद में सोचूंगा, क्योंकि अभी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रिडल को सॉल्व करना। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रिडल के वर्ड्स को रीअरेंज करने से इसे सॉल्व करने का कोई नया क्लू मिल जाए? हो सकता है। मैं चमकदार हूं लेकिन समझदार नहीं। अरे माँ, माँ मैं, अरे माँ, माँ मैं जलता हूँ मगर आग नहीं। अरे माँ वो, अरे ये क्या लिख रहे हो देवू? माँ मैं क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करवा था, वही है। अच्छा अच्छा, क्रॉसवर्ड पजल। लेकिन क्रॉसवर्ड पजल तो न्यूज़पेपर्स में होता है, तुम तो डायरी लेके बैठे हो। वो हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनन्या के चक्कर में तुम शेरो शायरी करने लगे हो? नहीं नहीं माँ, ये पजल ही है, देख लीजिए ना। अच्छा पजल है, मैं जलता हूँ मगर आग नहीं, मैं टिमटिमाता हूँ मगर आग नहीं, ये तो पहेली जैसी लग रही है। आओ मिलकर सॉल्व करते हैं, हम दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं। आओ ना। माँ 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 देखिए, वो माँ रुकिए ना, रुकिए, मैं पोएम ही लिख रहा था, वो थोड़ी शर्म आ रही थी आपको कहने में, इसलिए आपको नहीं बताया। ओह अच्छा, अरे माँ से क्या शर्माना, तो आओ ना बैठ के और लिखो, अच्छा लिखा है। पता है कॉलेज में मैं भी पोएम्स लिखा करती थी। देखो, मैं टिमटिमाता हूँ मगर आँख नहीं, मैं रात में दिखता हूँ मगर चांद नहीं। वाह मेरे मिर्जा गालिब, वाह। अरे तू वापस क्यों आ गया, तू गया नहीं? बस मैं सो गई। क्या हाइकिंग? अरे नहीं नहीं, बस मैं सो गई बस।
अच्छा अच्छा अरे बस मैं सो गई, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, मैं ही तुझे कभी कुछ देने के चक्कर में रोकती रही। I'm sorry बेटा। Don't worry मम्मी, बस छूट गई तो क्या हुआ, अब मैं आराम से बैठकर अपना स्कूल प्रोजेक्ट पूरा कर सकता हूँ ना। वैसे आपने हॉस्पिटल में कॉल करके पूछा कि नहीं, जिस डॉक्टर ने उसने आपकी डिलीवरी करवाई थी उनके बारे में कुछ पता चला? वो जहाँ तो पैदा हुआ था ना? हाँ हाँ, वो हॉस्पिटल तो बंद हो गया है अब। हाँ वहाँ ना एक मॉल बन गया है, अब डॉक्टर और नर्स को कैसे ढूंढूंगी मैं? तू कुछ खाएगा? तुझे भूख लगी होगी ना, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। अजीब बात है, वैसे तो हर छोटे से छोटा प्रोजेक्ट मम्मी रात रात भर बैठकर कंप्लीट करवाती थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में ध्यान ही नहीं दे रही। हाउ स्ट्रेंज। ऊपर से माँ अपने साथ रिडल वाली डायरी भी ले गई। अरे यार गोपू, तेरा टिफिन। हाँ दे। हमारे टिफिन पे झपट्टा क्यों मार रहे हो? गोपू, जंगल का राजा किसी पे भी झपट्टा मार सकता है, किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। तुम दोनों हमारा टिफिन वापस करो अभी। देओ, देओ, दे। दो, हमारा है। हट। बड़ा आया। टिफिन ले गए हमारे। Just wait and watch. सुतली, हमारा प्लान कामयाब हो गया। हमारे टिफिन के अंदर जमाल घोटा मिला है। वाओ गोपू, व्हाट एन आइडिया। अब ये दोनों हमारा टिफिन खाएंगे और पछताएंगे, क्योंकि जंगल में तो कोई टॉयलेट भी नहीं होता है ना। हाँ, ना टॉयलेट ना लोटा, अब तो कमाल दिखाएगा जमाल घोटा। अपना टिफिन पकड़ो, हमें तो सिर्फ तुम्हारी रोनी सूरत देखनी थी। रुको 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 रुको। क्या हुआ भाई साहब, ये रास्ता क्यों बंद है? इधर की सड़क पर थोड़ा काम चालू है, इसलिए आप इधर से जा सकते हो। ये सड़क थोड़ी कच्ची है, बट जा सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ड्राइवर वहां से बस निकालो। मैंने सोने की चिड़िया को डाइवर्ट कर दिया है, तुम लोग तैयार हो जाओ, वो सीधे हमारे जाल की तरफ आ रहे हैं। माँ देखिए, आप सिर्फ डॉक्टर का नाम बता दीजिए, बाकी सब मैं कर लूंगा। अरे माँ, ऐसा कैसे चलेगा, विवान का प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तो उसको मार्क्स कैसे? अरे नहीं याद है मुझे किसी डॉक्टर भक्त का नाम। अब मेरा मतलब है, अब वो जो मुंबई में कुछ साल पहले भारी बारिश हुई थी ना, उसमें सारे रिकॉर्ड्स बह गए, तो पता ही नहीं है। अरे नहीं माँ, पूरी दुनिया इंटरनेट पे आ चुकी है, अब बस डॉक्टर का नाम दीजिए, उनके बारे में सारी सारी जानकारी मैं निकालूंगा। हाँ अरे लेकिन देबू, वो अगर कोई बच्चा घर में पैदा हुआ होगा तो क्या उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे प्रोजेक्ट के? ऐसा थोड़ी होता है। कोई टेंशन नहीं है, मैं टीचर्स से बात कर लूंगी ना। हाँ माँ, विवान के जन्म से जुड़ी किसी बात से माँ परेशान क्यों हो जाती है? अगर मुझे ये रिडल सॉल्व नहीं करनी होती तो मैं इसका खुद पता लगा लेता, लेकिन फिलहाल तो इस रिडल को छुपा कर रखना होगा। अब इसका एक भी वर्ड किसी भी पेपर पर नहीं लिखूंगा, क्योंकि तिमनासा तो इसी फिराक में लगी हुई है कि किसी तरह उसे छुपी शक्ति के बारे में कोई सुराग मिल जाए।